हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से कल पाकिस्तान हारा है, ये जिसको कहते हैं ना अभी तक पाकिस्तानी फैंस को शोक में डाला हुआ है, इस पे बात करेंगे, पूरी मैच रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा प्लेयर था जिसने न्यूजीलैंड को मैच जितवाया, टर्निंग पॉइंट मैच का क्या था, इस पे भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेकंड ओडीआई, इस पे भी बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। ईडन गार्डन में जब लास्ट टाइम इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था, मैं आपको बताता चाहूं कि रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया था 264 रन का। तो क्या रोहित शर्मा दोबारा से कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं? फॉर्म में तो वो चल रहे हैं, लंका के खिलाफ उन्होंने 83 तो बनाया था पिछले मैच के अंदर। इसी के साथ साथ लास्ट टाइम ईडन गार्डन के अंदर 5 साल पहले ओडीआई मैच हुआ था, उसके अंदर भी इंडिया से कहते 252 पे ऑल आउट हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया 202 पे ऑल आउट हो गई थी। तो इस पे भी बात करेंगे। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का क्या मैच हुआ है। सीरीज एक एक से लेवल हो गए, मैच जो होगा फाइनल वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जो हारा है मैच, पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था। मैं हर दफा कहता हूं पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा है। क्यों मैं ऐसे कहता हूं? क्योंकि पाकिस्तान जीता ही होता है। आप देखें, मोमेंटम न्यूजीलैंड के पास था, लेकिन जब जिसको कहते हैं डेविन कॉनवे आउट हुए, उसके बाद विलियमसन आउट हुए, लगातार जो उनके 3 से 4 आउट हुए, पाकिस्तान ने कमबैक किया मैच के अंदर, 196 पे 2 आउट थे, उसके बाद इनकी पूरी की पूरी टीम लगी गई, लेकिन जो मिचेल सैंटनर था उसने एंड के आके रन्स भी किए और विकेट भी निकाल के दी। तो मेरी नजर के अंदर जो मिचेल सैंटनर था ना, वो मेरी नजर में प्लेयर ऑफ द मैच रहा, क्योंकि उसने बैटिंग में क्रूशियल रन दिए न्यूजीलैंड को, वरना पाकिस्तान ने इनको 210-220 पे रोक लेना, पाकिस्तान क्या पता मैच भी जीत जाता, लेकिन उसने एंड पे आके रन्स किए। इसके साथ साथ जो उसने बॉलिंग की है, जो प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, वो भी बड़ा जरूरी था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की बल्लेबाजी, पहले 2 ओवर में पाकिस्तान के आते साथ ही बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, फकर जमान आउट होता है, उसके बाद इमामुल हक भी आउट हो जाते हैं, बाबर आजम पे प्रेशर आता है, और वो मैं समझता हूं सिचुएशन बड़ी, जिससे कहते हैं ना पिच बड़ा खतरनाक हो चुका हुआ था। बाबर आजम ने सही स्लो खेला, मैं बाबर आजम को इस चीज से बैक करूंगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी, अगर बाबर आजम वहां पे तेज खेलते हुए आउट हो जाता तो मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान ने 100 या 130 पे लगे जाना था, लेकिन वो बाबर आजम एक एंड को संभाले रखा, लेकिन दूसरे एंड से जो रिजवान था ना, रिजवान ने जो सारा प्रेशर था ना वो बाबर आजम पे और लेकर आया। रिजवान को वहां चाहिए था थोड़ा, जिसको कहता ना प्रेशर न्यूजीलैंड पे डालता, थोड़ा तेज खेलता, लेकिन वैसा नहीं हुआ, दोनों के दोनों स्लो हो गए, ऐसा स्लो हुए कि मैच नीचे लग गया। उसके बाद हारिस वेल आते हैं, वो भी इसको कहते हैं कमबैक अपना कर रहे थे, उसके बाद उसका भी बल्ला नहीं चलता। लेकिन जहां पे मैच न्यूजीलैंड के हाथ में गया वो था सलमान अली आगा का विकेट, ये मैं समझता हूं टर्निंग पॉइंट था, जो कि वो रन आउट हुआ, इतना अच्छा खेल रहा था, बाबर आजम को भी सुकून मिला हुआ था क्योंकि वो तेज खेल रहा था, वो जिस पोजीशन पे रन आउट हुए वहां से पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना मैच हार गया, और ये टर्निंग पॉइंट मेरी नजर में था। खैर, जिसको कहते हैं हार जीत खेल का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, बल्लेबाजी में ऐसे कोलैप्स अच्छे नहीं लगते। कैसे, मतलब 261 रन चेस करना पाकिस्तान का बनता था, पाकिस्तान ये मैच हार गया, सीरीज एक एक से लेवल हो गया। तीसरा ओडीआई मैच कराची में खेला जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान क्या करते हैं। 13 जनवरी को फ्राइडे को ये मैच है। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेकंड ओडीआई मैच जिसको कहते हैं आज शुरू हो रहा है ईडन गार्डन के अंदर। मैंने जैसे पहले ही बताया कि लास्ट टाइम इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ तो रोहित शर्मा ने 264 रन का रिकॉर्ड बनाया था सिंगल हैंडली स्कोर करके। तो इस दफा कितने रन बनाएगा ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है, क्या 0 पे आउट होगा या सेंचुरी मारेगा या एक और 200 आने वाला है रोहित शर्मा का, ये आपने जरूर जिसको कहते हैं ना कमेंट्स के अंदर बताना है। इसी के साथ साथ जो ईडन गार्डन में लास्ट 5 साल पहले ओडीआई मैच हुआ था, तो बड़े अरसे बाद जिसको कहते हैं ना इतना अच्छा स्टेडियम, इतनी बड़ी ग्राउंड, और उसमें लास्ट टाइम 5 साल पहले ओडीआई मैच हुआ था, तो आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया में कितने स्टेडियम्स हैं। मुझे नहीं पता, मुझे जरूर बताइएगा कि इंडिया के अंदर कितने स्टेडियम्स इस वक्त करंटली हैं और मैचेस होस्ट कर रहे हैं कमेंट्स के अंदर। तो अगर मैच की प्रीव्यू की बात करें तो भाई इंडिया जाएगा सेम प्लेइंग 11 से, क्योंकि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था इस दफा इंडिया इतने चेंजेस नहीं करेगा, और इंडिया क्योंकि मैच जीता हुआ है, बॉलिंग भी अच्छी की है, बल्लेबाजी भी अच्छी की है, तो इंडिया की टीम जिसे कहते हैं ना एक, जिसे कहते हैं रिदम में नजर आ रही, कोहली के बल्ले से रन भी आए हैं। देखना ये होगा कि विराट कोहली कहीं एक और सेंचुरी तो नहीं ना मारने वाला, हैट्रिक तो नहीं ना करने वाला, अगर हैट्रिक हो गया तो मतलब क्या खेल ही लेवल हो जाएगा। तो अगर आज के मैच का प्रीव्यू करें तो भाई मुझे लगता है कि आज जिसे कहते हैं रोहित शर्मा सेंचुरी मारेंगे, ऐसी मेरी फीलिंग कह रही कि रोहित शर्मा के बल्ले से आज सेंचुरी आने वाला है। इसी के साथ साथ बात करें बॉलिंग की तो युजवेंद्र चहल आज जिसे कहते हैं विकेट निकालेंगे इंडिया की तरफ से, और इसी के साथ साथ जिसको कहते हैं हार्दिक पांड्या भी एक बड़ा यूजफुल रोल अदा करेंगे ऑलराउंडर की सूरत में। अगर दूसरी टीम से बात करूं तो भाई निशांका जो कि इनकी ओपनर है वो भी रन करेंगे, दासुन शनाका
बेस्ट ऑलराउंडर कहलाएंगे इस मैच के। इसी के साथ साथ अगर बात करें कुशल मेंडिस की, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप थे, वो भी डंस करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। मैच को जीतेगा, मैं आपको बता दे तो आज का जो मैच है वो बड़ा टफ मैच होगा, लेकिन आज का मैच भी इंडिया जीत जाएगा। और इंडिया जिसको कहते हैं ना ये मैच जीत के, जिसको कहते हैं जीत अपने नाम करेगा और सीरीज भी अपने नाम करेगा। ये मेरा प्रीव्यू, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और मैं आपको दोबारा कह दूं, रोहित शर्मा के बल्ले से बड़े जबरदस्त किस्म के रन आने वाले हैं, आपने देखना जरूर। खैर, जिसको कहते हैं ना मेरा मूड वैसे ही उतरा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कल मैच हारा है, तो मुझे अभी तक जिसको कहते हैं चीज हजम नहीं हो रही। आई होप आज मैच बड़ा मजे का हो, जो मेरा मूड है वापस से सही हो। तो इंशाल्लाह से कहते हैं मैच में आपको ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।